वेलकम डियर स्टूडेंट, आप सबका प्रगति इंस्टीट्यूट सरकंडा बिलासपुर के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, मैं प्रशांत दुबे पहला पार्ट रीजनिंग का कैलेंडर लेकर आ चुका हूं। आज मैं आप लोग के सामने सेकंड पार्ट कैलेंडर का लेकर आने वाला हूं। जैसे कि आप सबको मैं पहले पार्ट में कैलेंडर का पूरा बेसिक स्ट्रक्चर समझाया था कि किस प्रकार से कैलेंडर हमारा होता है और कैलेंडर के कौन कौन से टॉपिक पर हमको फोकस करना होता है। जैसे कि मैंने आपको कुछ कुछ बारीकियाँ सिखाई थी। सबसे पहले तो हमने सीखा था कि कौन सा लीप वर्ष होता है और कौन सा हमारा साधारण वर्ष होता है, लीप ईयर और सिंपल ईयर। तो उसको जांच करने का तरीका मैंने समझाया था कि 4 से विभाजित करना है यदि वो गैर शताब्दी वर्ष हो, और शताब्दी वर्ष हो तो 400 से विभाजित करके देखेंगे। पूरा विभाजित हो जाता है तो वो कहलाता है लीप वर्ष, और पूरा विभाजित नहीं होता है तो वो कहलाता है साधारण वर्ष। तो मैं वही वीडियो की आगे कंटिन्यू करूंगा। जो पहला पार्ट नहीं देखे हैं वो कृपया आई बटन क्लिक करके फर्स्ट पार्ट जरूर देख लें, जिससे आपको सेकंड ये जो वीडियो देखने में ज़्यादा इजी महसूस होगा। मैंने जो टॉपिक ख़त्म किया था तो कुछ बच्चों को मैसेज आया हुआ था मेरे पास कि सर आपने केवल जनवरी और जनवरी लेकर सिखाया था, अगर फरवरी क्रॉस हो जाता है तब क्या करेंगे। तो वो पार्ट मैं खुद इस वीडियो में कराने वाला था, तो आगे मैं उसी पर कंटिन्यू करूंगा। और फिर से बोलता हूँ, आप पहला पार्ट देखेंगे तो ज़्यादा इजीली पार्ट समझ में आने लगेगा, आपको समझेंगे। सबसे पहले मैं समझाता हूं पहला प्रश्न। मैं उम्मीद करता हूं पहला पार्ट आप सबने देखा होगा, तो देखेंगे ज्यादा बेटर समझ में आपको आएगा। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लेकर समझाता हूं। जैसे मैं कहूं 1 मार्च 2020 को संडे है, समझेंगे बारीकी से। मैं बायलिंगुअली पढ़ा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। और मैं आपसे पूछ लूं कि 1 मार्च 2021 को कौन सा दिन होगा, तो अब जरा गौर से बात समझना। हमने क्या सीखा था कि साधारण वर्ष होता है तो उसमें एक्स्ट्रा डे 1 आता है तो 1 जोड़ते हैं, लीप वर्ष होता था तो एक्स्ट्रा डे 2 आता था तो 2 जोड़ते थे। लेकिन वो तब तक था जब अगर प्रश्न हमारा 1 जनवरी से 29 फरवरी या 28 फरवरी तक का प्रश्न पूछा जाए। अगर किसी वर्ष का, कोई लीप वर्ष का फरवरी महीना क्रॉस कर जाता है तो फरवरी क्रॉस हो जाने पर वो लीप ईयर एक साधारण वर्ष तक ट्रीट करेगा, क्योंकि फरवरी क्रॉस हो चुका है। तो ध्यान रखना, जब भी मार्च के बाद का महीना हो, मार्च अप्रैल मई जून से लेकर दिसंबर तक, तो जिस वर्ष का हमको निकालना होगा उस वर्ष को हम ध्यान में रखेंगे। 2021 कैसा वर्ष है? सिंपल वर्ष है। सिंपल वर्ष में कितने, सिंपल ईयर में कितने विषम दिन होते हैं, कितने एक्स डे होते हैं? तो 1। तो हम संडे में 1 जोड़ देंगे तो 1 मार्च 2021 को कौन सा दिन होगा, तो आप क्या कहेंगे? मंडे होगा। बात समझ में आ रहा है? मैं एक और एग्जाम्पल लेकर समझाता हूं। अगर मैं कह दूं 1 मार्च 2023 को वेनेसडे है, बुधवार, मैं एक्चुअल डेट ले रहा हूं, एक्चुअल डे ले रहा हूं, जिससे आपको क्लियर रहे, आप कैलेंडर खोल के देख सकते हैं। अब मैं पूछूं आपसे 1 मार्च 2024, दोनों में डिफरेंस समझना। यहां लीप ईयर था लेकिन एंटर कर रहे थे सिंपल ईयर में, यहां सिंपल ईयर है एंटर कर रहे हैं लीप ईयर में। अब समझेंगे बात ध्यान से। मैंने कहा था कि फरवरी के बाद, मार्च के बाद कोई महीना हो तो जिस वर्ष का हम निकालेंगे उसी वर्ष का हम ध्यान में रखेंगे। 2024 कैसा है? लीप वर्ष है। लीप वर्ष, लीप ईयर में कितने विषम दिन होते हैं? 2 विषम दिन होते हैं, तो बुधवार में 2 जोड़ देंगे, तो ये आंसर क्या आ गया जी हमारा? फ्राइडे। तो पिछला वीडियो पार्ट 1 जो हम खत्म किए थे उसी के आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। तो ध्यान रखेंगे, वहां हम जनवरी लिए थे, यहां हम फरवरी के बाद मार्च महीना ले रहे हैं। तो मार्च का जो भी महीना रहेगा उसमें हम जिसमें एंटर करते हैं वो वाले वर्ष को देखेंगे। यहां एंटर कर रहे हैं सिंपल ईयर 1 जोड़े, यहां एंटर कर रहे हैं लीप ईयर 2 जोड़े। सिंपल ईयर में 1 जोड़ा जाता है, लीप ईयर में 2 जोड़ा जाता है, क्यों जोड़ते हैं पिछले वीडियो में अच्छी तरीके से मैंने क्लियर कर रखा है। अब हम समझेंगे बात ध्यान से। ये तो सिंपल हो गया कि भाई 20 का निकालने बोला है, 20 का दिया है, 21 का निकालने बोला है, 23 का दिया, 24 का निकालने बोला है। मान लो दूर आ जाए, मतलब इतना सिंपल प्रश्न ना आए, मान लो फॉर एग्जाम्पल पूछ दिया जाए कि 1 मार्च 2020 को संडे है, और पूछ दिया जाए थोड़ा बड़ा ले लें 30 ले लें, समझना है खाली हमको। तो 1 मार्च 2020 को संडे है तो 1 मार्च 2023 को क्या होगा? अब समझेंगे बात ध्यान से। अब ऐसे लिखते रहेंगे 20, 21, 22, 23, उतना समय तो रहता नहीं एग्जाम हॉल में, और पिछले वीडियो में समझा चुका हूँ, है ना, ध्यान से देखें फर्स्ट वीडियो को तो चीज़ें क्लियर रहेगा। इन दोनों के बीच कितने वर्षों का अंतर है? 10 ईयर्स, 10 वर्षों का अंतर है, ठीक है जी, 10 वर्षों का यहाँ पे अंतर है। अब इस 10 वर्ष में हम क्या देखते थे कि कितने लीप वर्ष हैं और कितने साधारण वर्ष हैं, है ना, लीप वर्ष और साधारण वर्ष। अब समझेंगे बात ध्यान से।
यहां पर 2020 लीप वर्ष है, लेकिन इसका फरवरी क्रॉस कर गया है। तो मैंने कहा था अगर फरवरी क्रॉस कर जाता है तो लीप ईयर एक सिंपल ईयर का ट्रीट करता है, तो 2020 को हम सिंपल ईयर मानेंगे यहां पर। तो इस बीच में लीप ईयर कौन कौन सा आ रहा है सर? तो आप कहेंगे एक 2024, एक आ रहा 2028। तो लीप वर्ष 2 है और साधारण वर्ष कितना होगा भैया? 10 में 2 घटा दो कितना होगा? 8। पिछले वीडियो में सिखाया था कि लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं तो 2 गुणा करते हैं सिंपल ईयर, साधारण वर्ष में 1 विषम दिन होता है तो 1 जोड़ते हैं। तो यहाँ बस हम क्या करेंगे, 2 × 2 = 4 और यहाँ बस क्या करेंगे 8 × 1 = 8 और दोनों को जोड़ देंगे, 8 × 4 कितना निकल कर आ गया 12। ये पिछले वीडियो में क्लियर किया था। अब यहाँ पर हम 12 जोड़ें, मैंने कहा था 7 दिन आने के बाद ना वही आगे कंटिन्यू होता है, तो जब भी 7 से बड़ा आएगा, तो जब भी 7 से बड़ा आएगा तो मैंने सिखाया था कि 7 से विभाजित कर दीजिए, 7 × 7 = 7 तो शेषफल क्या आया 5। तो संडे में हम क्या जोड़ देंगे 5। तो 1 मार्च 2030 को कौन सा दिन होगा? तो आप क्या कहेंगे? फ्राइडे, क्योंकि 5 जोड़ो या 2 घटाओ एक ही बात है। तो यहां से चीजें क्लियर हुआ, फिर समझेंगे बात ध्यान से। जब भी संख्या जोड़ने के बाद 12 से बड़ा आता है, 7 से बड़ा आता है, तो उसको हम क्या कर देते हैं 7 से विभाजित कर देते हैं और जो शेष फल को हम यहां पर जोड़ते हैं। ठीक है जी, चलिए थोड़ा सा और इसको मैं वास्ट कर दूं, आप इसको पीछे का देख लीजिएगा। अब हम समझते हैं कि मान लो क्वेश्चन लीप ईयर हो और लीप ईयर में ही हमको एंटर करना हो 2032 में, कितने वर्ष का डिफरेंस है यहां पर? तो आप कहोगे सर 12 वर्ष का, 12 ईयर का डिफरेंस है। इस बीच में कितने लीप वर्ष आ रहे हैं? मैंने कहा फरवरी क्रॉस कर गया है तो 20 को तो लेंगे नहीं, तो कौन कौन सा हुआ? 2024, 2028। अब बताइए 2032 को लेंगे कि नहीं लेंगे? तो बिल्कुल लेंगे सर, क्योंकि भैया इसका हम 32 का निकाल रहे हैं और 32 में एंटर करके निकाल रहे हैं, तो फरवरी मंथ आ रहा है तो 2032 को भी लेंगे। तो यहां पर हमारा 3 लीप वर्ष आएगा और 12 में 3 हट गया तो 9 कितना वर्ष होगा हमारा? साधारण वर्ष होगा। आगे आपको पता है 1 लीप वर्ष में 2 विषम दिन, 1 साधारण वर्ष में 1 विषम दिन, 3 × 2 = 6, 9 × 1 = 9 कितना हो गया 15। मैंने कहा था जब भी 7 से बड़ा आए 7 से विभाजित कर दो, कितना शेष फल आएगा? 7 × 2 = 14, 14 पूरा कट जाएगा तो क्या आएगा? 1 शेष फल आएगा। तो हम यहां से क्या जोड़ेंगे? 1 जोड़ेंगे। तो 1 मार्च 2032 को कौन सा दिन होगा? तो आप क्या कहेंगे? मंडे होगा। एकदम सिंपल सी बात है, पिछले वीडियो में क्लियर किया था। जनवरी ना आकर अगर मार्च से महीना है तो इस प्रकार फॉलो करेंगे। एक बात और समझा दूं, अगर 1 मार्च 2020 संडे है और यहां मान लेते हैं कि 8 मार्च 2032 पूछ दे तो भी आंसर मंडे ही होगा। क्यों भैया? पहले क्लास में, पहले पार्ट में समझाया था, जो 1 तारीख को होगा भैया मैं इसमें 7 जोड़ दूंगा तो 8 को ही होगा, मैं 7 जोड़ दूंगा तो 8 × 7 = 15 वही होगा। ये 8 मार्च जब 15 मार्च बोलेगा तो ही मंडे होगा, क्योंकि हर 7वां दिन वही दिन हमारा रिपीट होता है। भैया अगर 15 मार्च या 14 मार्च पूछ दिया तो पता है भाई 15 में अगर मंडे होगा तो 14 में क्या हो जाएगा? 1 कम कर देंगे, हमारा संडे ही हो जाएगा। उतना चीज़ आपको क्लियर है यहाँ पर? ठीक है जी। तो कल हमने फर्स्ट पार्ट में जो हमने सीखा था उसके आगे मैंने आपको पार्ट 2 में सिखाया, बाकी प्रैक्टिस करिएगा। जो भी आपको समस्या होगी या जो भी डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपके तक कमेंट के थ्रू या किसी भी वीडियो के थ्रू आप तक मैं उसको पहुँचा दूंगा। तो ये था जो हमने सीखा था बेसिक पार्ट, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन हो गए। ठीक है जी, अब हम समझने वाले हैं कैलेंडर में कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर, इंपॉर्टेंट पार्ट अब समझेंगे। आगे जो पढ़ने वाले हैं ना उसमें बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत सारे डाउट रहते हैं, उन डाउट को मैं क्लियर करूंगा। सबसे पहले जान ले वो पार्ट कौन सा है सर और कौन से टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। तो टॉपिक को कहते हैं रिपीटेड कैलेंडर। रिपीटेड कैलेंडर मतलब कि जैसे कि हम अभी 2020 में हैं, है ना, अभी कौन सा वर्ष चल रहा है 2020, तो मैं आपसे पूछूंगा कि 2020 का कैलेंडर दोबारा कब आएगा? तो मैं कहूंगा दोबारा ये कैलेंडर 2048 में आएगा। ये मैं कैसे बताया? तो इसको मैं अभी समझाने वाला हूँ आपको। एक बात और सिखा दूं आप लोग को कि रेलवे के एक परीक्षा लोको पायलट में एक प्रश्न आया था कि कोई भी कैलेंडर अपने आप को कितने वर्षों में रिपीट करता है? तो कोई भी कैलेंडर अपने आप को 28 वर्षों में रिपीट करता है। लीप ईयर 28 वर्ष में करता है, कुछ ट्विस्ट भी हैं, कुछ लीप ईयर 28 वर्ष में नहीं कर पाता, 40 वर्ष में करते हैं, लेकिन बेसिकली जितने भी कैलेंडर है वो 28 वर्ष में अपने आप को रिपीट करता है। जैसे यहाँ देख लो इन दोनों बीच कितने वर्ष का अंतर है, तो आप कहोगे 28 वर्ष। इवन क्रिकेट का एग्जाम्पल देख समझाता हूँ आपको कि हम क्रिकेट 50 ओवर वर्ल्ड कप क्रिकेट में जो 2 बार जीते हैं, एक जीते हैं 1983 में जीते हैं कपिल देव कैप्टेंसी में, एक बार वर्ल्ड कप जीते हैं 2011 में महेंद्र सिंह धोनी के कैप्टेंसी में, सबको ज्ञात होगा ये चीज़ें। इन दोनों का आप डिफरेंस निकाल के देख लो 28 वर्ष आएगा। और जब हम 2011 में वर्ल्ड कप जीते थे तो इस बात का बहुत सारे न्यूज चैनल में डिस्कशन भी चल रहा था कि जो कैलेंडर 1983 में था वही कैलेंडर 2011 में है, ये अजीब संजोग है जिससे हम 1983 में भी जीते और 2011 में जीते।
तो भैया वो तो सिंपल सी बात है कि 28 वर्ष बाद अपने आप कैलेंडर इसको रिपीट करता है। मैं इसको डिटेल में समझाता हूँ कैसे, कौन सा कैलेंडर कब रिपीट करता है। जैसे 2013 कैलेंडर और 2019 कैलेंडर सेम है, 2021 कैलेंडर और 2027 कैलेंडर भी सेम होगा, क्यों सेम होगा समझना। सबसे पहले तो हम टॉपिक जान ले क्या पढ़ने वाले हैं, तो मैं कहूंगा रिपीटेड कैलेंडर। ध्यान समझना, बड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर है, बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को इसमें, है ना, उनको चीजें क्लियर करूंगा। मैंने सिखाया था कि अगर कोई नॉन सेंचुरी ईयर हो, गैर शताब्दी वर्ष हो, तो हम किससे विभाजित करेंगे उसको, चार से विभाजित करेंगे। तो चार से विभाजित करेंगे और चार का विभाजक नियम मैंने क्या सिखाया था, दोबारा समझाया था, मान लो 7, 6, 8, 5, 12, ये चार से विभाजित होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। अगर किसी संख्या का अंतिम दो अंक चार से विभाजित होती है तो हम कहेंगे पूरा संख्या चार से विभाजित होगी। अब हम समझे बात ध्यान से कि रिपीटेड कैलेंडर में क्या करना है। सबसे पहले तो हम देखें, मैं लिखकर एक चार्ट बना समझाता हूं आपको। यहां लिख ले हम रिमाइंडर और यहां लिख ले एडिशन, एड हिंदी में कहते हैं शेषफल और यहां कहते हैं जोड़ना या जोड़, है ना। अगर हम किसी भी संख्या को किससे डिवाइड करेंगे, चार से डिवाइड करने पर और शेष फल आपका आया एक, तो हमेशा क्या जोड़ोगे, +6। अगर डिवाइड किए चार से, शेष फल आया दो या आया तीन, तो हमेशा क्या जोड़ोगे, 11 जोड़ोगे, या शेष फल आया शून्य, तो हमेशा क्या जोड़ेंगे, 28 जोड़ेंगे। अब समझेंगे बात को ध्यान से, अगर हम चार से किसी संख्या को विभाजित करते हैं तो शेष फल हमेशा 0, 1, 2 और 3 ही आएगा। जिस संख्या से भाग करते हैं स्वयं वो संख्या, उससे बड़ी संख्या शेष फल कभी नहीं आता है। मैं इसको अच्छे से समझाता हूँ, ये चार्ट को समझ लेंगे एक बार, चार्ट को पढ़ लिया मतलब कभी दिक्कत नहीं आने वाला है। शेष फल एक आया 6, 2 या 3 आया तो 11 जोड़ेंगे, 0 आया तो 28 जोड़ेंगे। एक यहाँ नोट करने वाली बात और है, ये +40 कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, ये कुछ यूनिक जगह पे काम आता है ना, पहले इसको समझते हैं। जैसे मैं कहूँ 2021, एग्जाम्पल 2022, एग्जाम्पल 2023, एग्जाम्पल 2024, मैं पूछूं 2021 का कैलेंडर दोबारा कब रिपीट करेगा, तो मुझे बताओ मैं 21 को, यहां मैं करके देखता हूं, है ना, 21 को मैं 4 से विभाजित कर दूं, विभाजक नियम समझाया हूं, 4 × 5 = 20, क्या शेष फल आया, 1। तो यहां देखो शेष फल जो है कितना आ रहा है, 1, और 1 शेष फल आता है कितना जोड़ते हैं, 6, क्या जोड़ते हैं, 6। तो मैं 2021 में 6 जोड़ दूंगा तो कितना आएगा जी मेरा, 2027। तो 2021 कैलेंडर दोबारा कब रिपीट करेगा, तो आप कहोगे 2027। वैसे ही अब मैं इसको 12 भाग करके दिखाऊंगा, नहीं आप इतना समझदार होंगे भैया कि हाँ 22 आ जाएगा तो यहाँ पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पास शेष फल कितना आने वाला है, तो यहाँ पास शेष फल आने वाला है 2, और जब भी 2 शेष फल आता है कितना जोड़ते हैं जी हम, 11 जोड़ते हैं। तो 2022 में हम क्या जोड़ देंगे, 11 जोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगा, 2033। तो 2022 कैलेंडर दोबारा कब रिपीट करेगा, 2033। समझेंगे बारीकी से, यहाँ 3 को विभाजित करोगे, 23 को मैं कर दूं तो शेष फल कितना आने वाला है, 3। तो यहां शेष फल अगर 3 आ रहा है तो भी क्या जोड़ना है, 11 जोड़ना है। तो 2023 में मैं 11 जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा, 2034। चीजें समझ में आ रहे हैं यहां तक। अब देखो अगर मैं 24 को विभाजित करूं, मैं अच्छे से करके दिखाता हूं, 24 को विभाजित करूं तो 6 × 4 = 24 से पूरा कट जा रहा है, मतलब शेष फल क्या आ रहा है, 0। तो यहां 4 से विभाजित करने पर शेष फल 0 आ रहा है, तो 0 आने पर हमेशा कितना जोड़ते हैं जी, 28 जोड़ते हैं। तो इसमें हम क्या जोड़ देंगे, 28, तो कितना हो जाएगा, 2052। ठीक है जी, तो 2024 कैलेंडर दोबारा कब रिपीट करेगा, 2052 में। क्लियर है, 4 से विभाजित करेंगे और शेष फल 1 आया 6 जोड़ेंगे, 2 या 3 आया 11 जोड़ेंगे, और 0 आया तो हम 28 जोड़ेंगे। ठीक बात, आप समझेंगे बात ध्यान से। अक्सर बच्चों को सिखाया जाता है और शुरू शुरू में हम यही जानते हैं कि हर चौथा वर्ष लीप वर्ष होता है। जैसे कि मान लो मैं कहा कि 2012 लीप वर्ष था, तो आप कहेंगे सर 2016 भी लीप वर्ष होगा, 2020 भी लीप वर्ष होगा, 2024 भी, मतलब हर चौथा वर्ष लीप वर्ष होता है। होता है ऐसा, बिल्कुल नहीं। कुछ वर्ष ऐसे हैं जो 8 वर्ष बाद लीप वर्ष आता है, तो वहां पर क्या होता है, हम 28 नहीं जोड़ सकते, क्योंकि देखो 0 कब आएगा, शेष फल जब वो लीप वर्ष होगा, क्लियर बात है ये तो। लेकिन कुछ जगह पर समझेंगे, जैसे कि मैं एक बात समझाऊं आपको, ये जो हमारा 1600 तो लीप वर्ष है हमारा, मान लो मैं कहा 1700, मैं कहा 1800, मैं कहा 1900, 1696, 1796, 1896, क्या 1696 के बाद, ये तो लीप वर्ष है, ये सभी लीप वर्ष है तीनों, तो 4 वर्ष बाद लीप वर्ष आ रहा है क्या, ये तीनों के तीनों लीप वर्ष तो नहीं है, ये सभी कैसे हैं, सिंपल वर्ष हैं।
ठीक है, क्यों सिंपल वर्ष कैसे जाने हमने, कि हम पढ़े हैं शताब्दी वर्ष को अगर हम 400 से विभाजित करते हैं, 400 से पूरा पूरा विभाजित हुआ तभी लीप वर्ष होगा, ये 400 से विभाजित होगा क्या, नहीं होगा, तो सभी क्या है, साधारण वर्ष है। अब मेरे को समझाना, मैं कहा 1672 का कैलेंडर दोबारा कब रिपीट करेगा, 1672 कैसा वर्ष है, लीप ईयर, लीप वर्ष, तो मैं अब इसमें क्या जोड़ दूंगा, 28, क्यों 28 जोड़ूंगा, क्योंकि 72 को मैं अगर 4 से विभाजित करूं तो शेषफल शून्य आएगा, और 72 में मैं 28 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 1700, और 1700 क्या है, साधारण वर्ष है। तो भैया लीप वर्ष और साधारण वर्ष कभी भी समान नहीं हो सकता, क्योंकि लीप वर्ष में फरवरी 29 का रहेगा और साधारण वर्ष में फरवरी 28 का रहेगा। तो हमको समझना है, कभी आपको प्रश्न आ जाए कि 1672 का कैलेंडर दोबारा कब रिपीट करेगा, अब 28 जोड़ 1700 हड़बड़ी में कर दिए, गलती हो जाएगा। तो जब भी ऐसा कंडीशन आया तो 1672 में 28 नहीं, हम कितना जोड़ेंगे, 40 जोड़ेंगे, ये दो हो गया, 7 × 4 = 11 एक केरी, ये कितना हो गया 1712, तो 1772 कैलेंडर दोबारा कब रिपीट करेगा, 1712 में रिपीट करेगा। तो मैं फिर समझाता हूँ, एक छोटा एग्जांपल और ले लेता हूँ, मैं कह दूँ मान लो फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कोई सा भी 1872 ले लें, तो इसमें भी 28 जोड़ेंगे तो क्या आएगा आपका 1900, और 1900 एक सिंपल वर्ष है, तो ये नहीं करेंगे हम, 1872 में क्या जोड़ देंगे, 40 जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा जी, ये 1912। तो चीज़ें समझना, 28 जोड़ने पर अगर सिंपल वर्ष आ जाता है, सिंपल ईयर आ जाता है, तो हमेशा क्या जोड़ेंगे, 40 जोड़ेंगे, इसलिए यहाँ पर 40 को अलग से लिखा हुआ था। तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गया होगा कि रिपीटेड कैलेंडर में कौन सा कैलेंडर दोबारा रिपीट होगा, इस बातों को हम समझ सकते हैं। ये तो हो गया पहला मेथड, और इस मेथड के थ्रू आप चीज़ों को बड़ा आसानी समझ सकते हैं। मैं लेकिन आपको रिपीटेड कैलेंडर का एक और मेथड सिखाने वाला हूँ, मेथड नंबर 2, ठीक है, उसको भी साथ साथ जान लीजिए, जानकारी होनी चाहिए। और ये जो मेरे टॉपिक देख रहे होंगे स्टूडेंट जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बेनिफिशियल है, और साथ साथ अन्य लोग जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं और केवल जानकारी के लिए जानना चाहते हैं, वो भी वीडियो को बिल्कुल देख सकते हैं, आपको अच्छी जानकारी यहाँ से प्राप्त होगी। अब मैं आपको इसी का एक मेथड नंबर 2 सिखाता हूं, समझेंगे बातों को ध्यान से। सेम चीज बता रहा हूं ना, मैं ले लूं 2021, अब समझेंगे, बहुत बढ़िया मेथड है ये, है ना, यूनिक, ध्यान समझना जी। 2021 कैसा वर्ष है, तो आप कहोगे सिंपल ईयर, साधारण वर्ष, है ना, इंग्लिश में लिख रहा हूं, हिंदी में बोलूंगा जी, साधारण वर्ष। जब भी साधारण वर्ष होगा तो क्या जोड़ेंगे, प्लस 6 जोड़ेंगे, तो क्या हो गया 2027। तो ये कैलेंडर और ये कैलेंडर क्या होगा, सेम यहां देख सकते हैं, अब समझना। अब मैं पूछूं 2027 जैसा अगला कैलेंडर कौन सा होगा, तो आप कह रहे होंगे सर ये सिंपल ईयर है, इसमें 6 जोड़ दीजिए। नहीं भैया, सेकंड मेथड को थोड़ा और ध्यान से देखना, अगर कोई साधारण वर्ष हो और उसके तुरंत बाद, अगर कोई साधारण वर्ष हो लेकिन उसके तुरंत बाद लीप ईयर, लीप वर्ष आता हो, तो हमेशा जोड़ेंगे 11, 7 और 1 = 8 हो गया, 2 + 1 = 3 हो गया 2038। बातों को ध्यान से समझिएगा, सिंपल ईयर रहेगा 6 जोड़ेंगे, सिंपल ईयर रहा लेकिन तुरंत बाद लीप वर्ष आता रहा 11 जोड़ेंगे। अब समझेंगे और ट्विस्ट, फर्स्ट ट्विस्ट, सेकंड ट्विस्ट, अब यहां पर हम समझेंगे थर्ड ट्विस्ट के बारे में। अब ये कैसा वर्ष है, तो कहोगे सिंपल वर्ष है सर, क्योंकि 38 4 से विभाजित नहीं होता है, तो साधारण वर्ष है, और साधारण वर्ष मैंने क्या सिखाया है, प्लस 6 जोड़ना, तो प्लस 6 जोड़ेंगे तो यहां पर क्या आएगा 2044। अब समझे एक नया ट्विस्ट यहां पे, अगर कोई साधारण वर्ष हो और उसमें 6 जोड़ने पर लीप वर्ष आ जाए, उसमें 6 जोड़ने पर लीप वर्ष आ जाए, लीप ईयर आ जाए, तो और उसमें हम 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2049। तो हमारा 2021, 2027 और 2038 और 2049 का कैलेंडर क्या होगा, हमारा सेम होगा। मैं इस मेथड क्यों बताया आपको, मान लो प्रश्न ऐसा आ जाए कि 2021 का कैलेंडर चौथी बार कब रिपीट करेगा, है ना, तो आप फटाक से ऐसा कर सकते हैं, साधारण वर्ष हुआ 6 जोड़ेंगे, साधारण वर्ष हुआ लेकिन तुरंत बाद लीप वर्ष हो तो 11 जोड़ेंगे, साधारण वर्ष हो 6 जोड़ेंगे लेकिन 6 जोड़ने पर लीप वर्ष आ जाए तो 5 और जोड़ देंगे। तो इस प्रकार भी, इस मेथड से भी हम चीजों को निकाल सकते हैं। हाँ, और लीप वर्ष हुआ तो हमेशा 28 ही जोड़ेंगे, और अगर 28 जोड़ने पर अगर सिंपल ही आ जाता है तो हम 40 जोड़ेंगे। तो यहां से हमारा रिपीटेड कैलेंडर का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर और समझाता हूँ, प्रश्न आया था 1982, है ना, तो 1982 कैलेंडर दोबारा कब रिपीट करेगा, तो भाई जरा देखो इसमें, इसमें अगला क्या आ रहा है, इसमें इसके जस्ट बाद लीप ईयर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, और कैसा ईयर है, सिंपल ईयर है, तो सिंपल ईयर है तो क्या जोड़ दिए हम इसमें, 6 जोड़ दिए, सेकंड मेथड के अनुसार ना 6 जोड़ दिए, तो क्या आ रहा है 1988। मैंने कहा था जब भी सिंपल ईयर में 6 जोड़ेंगे और लीप ईयर आ जाएगा तो 5 और जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा 1993। तो 1982 ऐसा कैलेंडर कौन सा होगा, तो आप क्या कहेंगे 1993।
इस मेथड से देखेंगे, समझा देता हूँ। 1982, तो 82 को अगर 4 से विभाजित करूंगा तो शेष फल क्या आएगा, 2। तो 1982 में क्या जोड़ देंगे हम, 11 जोड़ देंगे, तो भी क्या होगा 1993। तो जो मेथड आपको समझ में आता है उस मेथड से आप प्रश्नों को बना सकते हैं। तो यहाँ तक रिपीटेड कैलेंडर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आया होगा और परीक्षाओं में बहुत अच्छे से इस प्रश्न को आप डील कर सकेंगे। इस प्रश्न को घुमा कर देगा कि 2021 से कैलेंडर दे देगा कि 12 सितंबर 2021 को जन्मदिन मनाया गया है संडे को, तो फिर से कब संडे को मनाया जाएगा। तो इस तरीके से आप इस चीज़ों को बना सकते हैं। अभी हमने रिपीटेड ईयर के बारे में देखा है कि कौन कौन सा वर्ष समान होता है, वैसे ही हम देखेंगे कौन कौन सा मंथ समान होता है। बहुत सारी परीक्षाओं में इस तरह के डाउट बच्चों के आते रहते हैं, पूछे आते हैं, तो ध्यान समझेंगे। मैं लिखा क्या हूँ, यहाँ लिख दिया हूँ, समझेंगे बाद ध्यान से। ये 3-1-3-2 क्या है, मैं पिछले वीडियो में समझा चुका हूँ आपको कि जैसे मैं कहूँ कि विषम दिन होता है, सभी क्या है एक्स्ट्रा डे है, सभी क्या है एक्स्ट्रा डे है। एक्स्ट्रा डे कॉन्सेप्ट मैं सिखाया था पिछले वीडियो में कि किसी भी संख्या को, किसी भी तारीख को 7 से 7 से विभाजित करते हैं, जो शेष फल आता है उसे हम क्या कहते हैं, विषम दिन या एक्स्ट्रा डे कहते हैं। जैसे जनवरी में कितने दिन होता है, 31 दिन। 31 को मैं 7 से विभाजित करूं तो 7 चौक 28, तो शेष फल कितना आ रहा है, 3। यही 3 को मैंने यहाँ लिखा हुआ है। फरवरी लीप वर्ष है, मैं लीप वर्ष बता रहा हूँ ना, रिपीटेड मंथ, कौन कौन से लीप वर्ष में कौन कौन सा महीना समान होगा। फरवरी होता है 29 का, और फरवरी 29 का होता है तो 7 चौक 28, तो शेष फल क्या आ रहा है, 1। साधारण वर्ष में 28 रहेगा तो 0 ही होगा, है ना। तो इसी प्रकार मैं क्या किया हूँ, जितने दिन का महीना होता है, किसी को पता नहीं होता, जैसे देख सकते हैं भैया जो निकला हो उसको 31 मानते हैं, 31 30 31 30 31 30 31, फिर 31 आते हैं जनवरी फरवरी मार्च, ऐसा करके आप देख सकते हैं, इतना आप सबको पता होगा, ठीक है जी। तो ये सभी क्या है, विषम दिन है, एक्स्ट्रा डे है। एक्स्ट्रा डे कैसे निकला है, 7 से विभाजित करने पर। अब देखेंगे कौन कौन सा महीना हमारा समान होगा। जैसे मैं कहूँ कि जनवरी जैसा महीना अगला कौन सा होगा, तो हम जनवरी से ही काउंटिंग करेंगे, 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर जोड़ने पर, तीनों को जोड़ने पर 3 4 3 7, जोड़ते जोड़ते आते हैं जहाँ पर 7 आए या 7 का गुणा जाए, उसका जस्ट अगला महीना क्या होता है, सेम होता है। तो जनवरी जैसा महीना कौन सा होगा, अप्रैल होगा। अब डाउट मत करिएगा भैया कि यहाँ सर जनवरी 31 दिन का है और अप्रैल 30 दिन का है, तो भैया 1 जनवरी से 30 जनवरी और 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक समान रहेगा, है ना। चलिए समझेंगे। अब मैं कहूँ कि जनवरी जैसा अगला महीना और कौन सा हो सकता है, मैं जनवरी से ही काउंट करूँगा, 3 4 3 7 8 9 10 11 12 13 14। तो यहाँ काउंट करके देखिए क्या हो रहा है, 14 हो रहा है, मैंने कहा 7 या 7 का गुणज। तो इस और कौन सा महीना समान होगा, जुलाई। तो जनवरी अप्रैल और जुलाई का महीना समान होगा। आप 2020 का कैलेंडर खोल के देख लीजिए, जनवरी अप्रैल और जुलाई एकदम डिट्टो सेम होगा, है ना जी। अब देखते हैं, अब मैं कहा फरवरी जैसा महीना कौन सा होगा, तो काउंटिंग कहाँ से करेंगे, फरवरी से काउंटिंग कहाँ से करेंगे, फरवरी, जिसका निकालेंगे वहीं से काउंटिंग करना है। 3 1 4 हो गया, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, काउंटिंग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, 3 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यहाँ 14 हो रहा है ना, तो आगे बढ़ गए थे। तो फरवरी के बाद हम काउंटिंग करते गए, तो कहाँ पर 14 खत्म हो रहा है हमारा, जुलाई में। तो फरवरी जैसा अगला मंथ कौन सा होगा जी, हमारा अगस्त होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि मार्च जैसा महीना अगला कौन सा होगा हमारा, तो काउंटिंग कहाँ से करेंगे, हम मार्च से ही करेंगे, 3 2 5 5 3 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो अक्टूबर के बाद 21 कंप्लीट हो रहा है, तो मार्च जैसा महीना कौन सा होगा, तो आप क्या कहोगे, नवंबर होगा। तो देख लीजिए, होता नहीं है, आपकी जानकारी के लिए, अप्रैल का हम देख चुके हैं, जुलाई, मई का 3 2 5 3 8 9 10 11 12 13, तो होता नहीं है। तो सिर्फ और क्या होगा हमारा, सितंबर और दिसंबर। सितंबर जैसा महीना अगला कौन सा होगा, तो आप क्या कहोगे, दिसंबर। देख लीजिए, काउंट कर लीजिए, अगर सितंबर से काउंट करेंगे, 3 2 5 5 2 7, है ना, तो यहाँ पर 7 कंप्लीट हो रहा है, तो अगला कौन सा आ रहा है, दिसंबर आ रहा है। तो जिसका निकालना होगा वहीं से हम काउंट करेंगे, जहां 7 या 7 का गुणज, गुणज मतलब मल्टीपल, 7 14 21, उसका अगला माह हमेशा क्या होता है, समान होता है। तो ये आपको समझाने के लिए था, बाकी आपको ये डेटा को बस याद रखना है, यही एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका फायदा क्या होता है, समझना ध्यान से। जैसे मैं कह दूं कि 10 जनवरी को मंडे है और पूछ दूं 10 जुलाई को कौन सा दिन होगा, तो बता सकते हो मंडे, क्योंकि भैया जनवरी और जुलाई का महीना क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ से हमारा फायदा है। तो मैं ऐसे उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि लीप वर्ष में, लीप वर्ष हो, लीप ईयर हो, तो कौन कौन सा महीना समान होगा। अगर मैं कह दूँ, यही डायरेक्ट बता देता हूँ, अगर मैं कहूँ कि कोई साधारण वर्ष हो, सिंपल ईयर, मैं कहूँ सिंपल ईयर, तो सिंपल ईयर में कुछ चेंज नहीं होगा, फरवरी में जगह में क्या आ जाएगा, आपका 0 आ जाएगा, बस इतना सबको ध्यान में रखना है।
जनवरी 3 ही रहेगा, फरवरी क्योंकि 28 दिन का होता है तो 28 को 7 से विभाजित करोगे तो शेषफल 0 आएगा आपका। अब जनवरी जैसा महीना कौन सा होता है अगला, तो आप क्या कहेंगे अक्टूबर, देखिए काउंट भी कर लेते हैं, 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, यहाँ 21 सबमिट हो रहा है तो जनवरी से काउंटिंग किए थे तो अगला कौन सा होगा अक्टूबर होगा। हमेशा जैसे कि कोई भी सामान्य वर्ष हो तो फरवरी और मार्च का महीना हमेशा समान होगा, एक फरवरी से 28 फरवरी, एक मार्च से 28 मार्च तक। तो फरवरी से काउंट करो तो भी 3 कहलाएगा, मार्च से काउंट करो तो भी 3 कहलाएगा, 3, 2, 5, 5, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, तो फरवरी मार्च जैसा अगला महीना कौन सा होता है तो आप कहोगे नवंबर। अगला देखते हैं अप्रैल जैसा महीना कौन सा होगा, जुलाई होता है फिर देख लेते हैं, फिर भी 3, 2, 5 और 2, 7 अप्रैल से काउंटिंग करेंगे तो अप्रैल जैसा महीना कौन सा होता है तो आप क्या कहोगे जुलाई। आगे नहीं होता है फिर भी आपके नॉलेज को दिखा देता हूँ, जून के बाद 3, 2, 5, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 तो आ ही नहीं रहा है। तो किसी भी साधारण वर्ष में, जैसे आप 2019 का कैलेंडर देख लेना, 2021 का कैलेंडर देख लेना, जो साधारण वर्ष हो, सामान्य वर्ष हो, उसमें जनवरी और अक्टूबर समान होते हैं, फरवरी मार्च नवंबर समान होते हैं और अप्रैल और जुलाई समान होते हैं और सितंबर और दिसंबर हमेशा समान होते हैं। एक बार परीक्षा में पूछा गया था कि लीप वर्ष और साधारण वर्ष में वो कौन सा दो महीना है जो समान होता है, तो अप्रैल जुलाई सितंबर और दिसंबर। ठीक है, आप इसको आगे हम देख सकते हैं। एक और छोटा एग्जांपल बताता हूँ, मान लो कह दिया जाए, जैसे कि फॉर एग्जांपल कह दिया जाता है कि 1 जनवरी 2019 को समझने के लिए कुछ भी हो सकता है ट्यूसडे है, और पूछ दिया जाता है 1 अक्टूबर 2019 को कौन सा दिन होगा, तो इस दिन भी क्या होगा ट्यूसडे ही होगा, क्योंकि जनवरी और अक्टूबर का महीना किसी भी सामान्य वर्ष में, है ना, सामान्य वर्ष में सेम होते हैं। तो हमने देख लिया कि किसी रिपीटेड मंथ में वो लीप वर्ष हो तो कौन कौन सा महीना समान होगा और साधारण वर्ष हो तो कौन कौन सा महीना समान होगा। तो ये कैलेंडर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत बच्चों का कंफ्यूजन रहता है कैसे आता है। मैं जो रिपीटेड कैलेंडर जो पढ़ाया हूँ तो 6-11 भी इसी कॉन्सेप्ट से आया है। जैसे मान लो सिंपल ईयर रहेगा, जैसे मान लो अभी बताया दो 21 सिंपल कैलेंडर, सिंपल ईयर मतलब कोई साधारण वर्ष रहेगा तो 1 लेंगे और लीप वर्ष रहेगा 2 लेंगे, उसी प्रकार जोड़ते जोड़ते जाएंगे, जहां 7 आया 7 गुणा जाया तो उसका अगला जो वर्ष होता है समान होता है, इसी प्रकार उसको भी निकाला गया है। ठीक है, तो आज हमने देखा, पिछला वीडियो आप जरूर देखिएगा, आई बटन क्लिक करके डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है देख लीजिएगा, उसके आगे हमने वीडियो कंटिन्यू किया। उसके बाद हमने देखा रिपीटेड ईयर के बारे में, अगला हमने देखा रिपीटेड मंथ के बारे में। तो आज के वीडियो में हम यहीं तक पढ़ते हैं, आप इतना पढ़कर रखें, मैं कैलेंडर का थर्ड पार्ट और लेकर आऊँगा जिससे हमारे कैलेंडर का जो मिसलेनियस पार्ट होगा, जो बचा हुआ पार्ट है उसको मैं आगे क्लियर करूँगा। आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जो हमारे लिए मोटिवेशन कार्य करते हैं। हमारे कमेंट बॉक्स में अच्छे से कमेंट आए थे और उस अच्छे कमेंट से या अच्छे व्यू से या अच्छे सब्सक्राइबर से हमको मोटिवेशन मिलता है, और जैसा हमको मोटिवेशन मिलेगा हम अधिक से अधिक मेहनत करेंगे और आप तक अच्छे अच्छे वीडियो पहुंचाते रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।